गाइस, दिस इज देवा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसआर देवा म्यूजिक। गाइस, मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया पियानो एक्सरसाइज तैयार की है। जी हाँ, मैंने खुद ने बनाया है इस पियानो एक्सरसाइज को और अभी तक मैंने इसका कोई नाम नहीं रखा है क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया कि इसका नाम क्या रखूँ। यदि आपको कोई नाम अच्छा लगे तो आप रख सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आप में से काफी लोग जो पियानो कीबोर्ड प्लेइंग सीख रहे होंगे और डेफिनेटली बिगिनर बेसिक एडवांस लेवल पे भी हो सकते हो, आप किसी भी लेवल पे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पियानो एक्सरसाइज कंप्लीट करना चाहिए, डेली प्रैक्टिस करना ही चाहिए। अब आप पूछेंगे कि भाई मैं ये पियानो एक्सरसाइज क्यों कंप्लीट करूं, इससे मुझे क्या प्रॉफिट है, राइट? यदि आपका एक क्वेश्चन है तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप और मैं हम दोनों ही ह्यूमन हैं और ह्यूमन का ये नेचर होता है सबसे पहले खुद का प्रॉफिट देखता है, ठीक है? तो मैं इसका प्रॉफिट आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रॉफिट तो ये है कि आपके फिंगर्स के मोशन काफी बढ़िया होंगे, मींस आपके फिंगर्स काफी बढ़िया चलेंगे कीबोर्ड पियानो के ऊपर, ठीक है? और दूसरा प्रॉफिट ये है कि आपके फिंगर्स का ग्रिप, आपको कई बार कीबोर्ड प्ले करते हैं फिंगर्स स्लिप हो जाते हैं, लेकिन यदि इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करते हैं डेली तो आपके फिंगर्स स्लिप की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि आपका ब्रेन और आपके फिंगर्स सिंक हो जाएंगे, मींस जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ब्रेन में आप कोई सा भी म्यूजिक पार्ट सोच रहे हो कि मुझे ऐसा ऐसा प्ले करना चाहिए, आप मैपिंग कर रहे हो लेकिन आप हाथ से प्ले नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका हाथ उस स्पीड में चलता ही नहीं है जिस स्पीड में आप वो मैपिंग कर रहे हो, आप वो म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो। अभी इस पियानो एक्सरसाइज को आप करते हो डेली प्रैक्टिस, डेफिनेटली आपका ब्रेन में जैसा भी म्यूजिक आ रहा है ना, आप उसको प्ले कर पाओगे क्योंकि आपके हाथ की स्पीड, मोशन, ग्रिप काफी बढ़िया हो जाएंगे, राइट? तो इसलिए आपको ये फिंगर एक्सरसाइज, पियानो एक्सरसाइज कंप्लीट करना ही चाहिए। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट यदि आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से उसको दबा दो और पास में ही एक बेल आइकन का बटन भी बनकर आएगा, उसको भी दबाना और ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर देना, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको मेरा ये पियानो एक्सरसाइज कीबोर्ड पियानो पर प्ले करना सिखाना स्टार्ट करता हूँ। गाइस, ये एक्सरसाइज मैं आपको सी स्केल में प्ले करना सिखा रहा हूँ, बट आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस किसी भी स्केल में कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड का पार्ट प्ले करना सीखते हैं क्योंकि काफी सिंपल है लेफ्ट हैंड का पार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको क्या प्ले करना है, सी एंड ई, ये दो नोट आपको एक साथ प्ले करना है और फिंगर आपके रहेंगे 5 and 3, 5 and 3, इस तरह से आपको प्ले करना है। अभी इसके बाद डी और एफ, ये नोट आपको एक साथ प्ले करना है और फिंगर रहेगा 4 and 2, राइट? अभी नेक्स्ट आपको ई और जी प्ले करना है, अब इसमें फिंगर आपका रहेगा 3 and 1st thumb, राइट? अभी फिर से हम डी और एफ प्ले करेंगे, ठीक है? तो यहां पर आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ, आप इसको देखिए 1 2 3 4, राइट? 1 2 3 4, सिंपली आपको अपने लेफ्ट हैंड से यही चीज प्ले करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपको इसको रिपीट करते रहना है, ठीक है? अभी इसको फास्ट प्ले करना है, और गाइस आपको अपने हाथ को मूव नहीं करना है, आपको फिंगर्स को मूव करना है, ठीक है? इस टाइप से अभी ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड का पार्ट। अभी हम राइट हैंड के पार्ट को प्ले करना सीखते हैं। राइट हैंड थोड़ा टफ है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सी और ई नोट प्ले करना है, ठीक है? फिंगर आपका है थंब एंड मिडिल, मींस 1 and 3, ये आपने प्ले किया। अब इसके बाद आपको प्ले करना है डी और एफ और फिंगर आपका रहेगा 2nd and 4th, राइट? अभी इसके बाद आप प्ले करोगे ई और जी, फिंगर रहेगा 3rd and 5th, ठीक है? अभी लास्ट में आपको फिर से डी और एफ प्ले करना है, ठीक है? फिर से देखिए, सबसे पहले सी और ई, अभी इसके बाद डी एफ,
राइट, अभी इसके बाद ई जी, देन अगेन डी एफ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा, ठीक है। वन टू थ्री फोर, राइट, हमारे फाइव फिंगर्स हैं, पूरे फाइव की इसके ऊपर सेट हो गया, देखिए, इतना आपने प्ले करना सीखा। इसका आपको प्रैक्टिस करना है बार बार और स्पीड इंक्रीज करना है, ठीक है। इतना प्ले करना सीखा, अब इसके आगे का जो पीस है वो हम प्ले करना सीखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें उल्टा प्ले करना है। यहाँ पर क्या प्ले हो रहा है, ई सी ई सी, और फिंगर है थ्री वन। अभी इसके बाद एफ डी एफ डी, ठीक है। अभी इसके बाद जी ई जी ई, फिर वापस से एफ डी एफ डी, ठीक है। फिर से देखिए, सबसे पहले ई सी, फिंगर है थ्री एंड वन। अब इसके बाद एफ डी, फिंगर है फोर एंड टू। अब इसके बाद जी ई, फिंगर है फाइव एंड थ्री। अब देन अगेन एफ डी फिंगर फोर टू, ठीक है। अब इसको एक साथ प्ले करते हैं, ठीक है। इसका भी आपको प्रैक्टिस करना है और स्पीड इंक्रीज करते जाना है। देखिए बार बार प्ले करना है। अभी यहां पर हमने राइट हैंड के दो पार्ट प्ले करना सीखे। सबसे पहला, ठीक है, अब दूसरा पीस, राइट, ये दो पार्ट हैं, दो पीस है। अभी इनको एक साथ प्ले करना है, देखिए, फिर से देखिए, राइट, इस तरह से आपको प्ले करना है। अभी लेफ्ट हैंड के साथ कैसे प्ले करना है देखिए। सबसे पहले, ठीक है, अभी सेकंड, देन थर्ड, फिर से सेकंड, ठीक है। फिर से देखिए, वन टू थ्री फोर, अभी उल्टा वाला प्ले करना है, देखिए, वन टू थ्री फोर, राइट। फिर से देखिए, अभी हमने राइट हैंड के दो पार्ट लेफ्ट हैंड के साथ प्ले करना सीखे। अभी इसको एक साथ कैसे प्ले करना है देखिए, ठीक है। इसको आपको बार बार प्ले करना है और स्पीड बढ़ाते जाना है, देखिए, तरह से आपको ये प्ले करना है। अब यदि आपने इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस किया है, कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये एक्सरसाइज आपको कैसा लगा, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।